जनपद ललितपुर के थाना बार अंतर्गत ग्राम बसत गुआ में गेहूं की फसल के बीच में दो किसान द्वारा अफीम की खेती कराई जा रही थी। उच्च अधिकारियों एवं पुलिस टीम के ने मौके पर जाकर जांच की। एक आरोपी गिरफ्तार। डीआईजी झांसी के आदेश पर हो रही कार्रवाई। नारकोटिक्स टेस्ट टीम पहुंचेगी ग्राम बसतगुआ, अफीम की फसल कटवाने की तैयारी। देखिए विस्तृत रिपोर्ट जिला संवाददाता बलराम पचौरी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ये कल सूचना मिली थी कि थाना बार क्षेत्र में कुछ अफीम के स्मॉल अमाउंट में खेती हो रही है, तो पुलिस और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उस गांव में और पता कराया गया तो एक और स्मॉल खेत मिला, तो उसमें दो लोगों के खेत मिले हैं जिनमें गेहूं के बीच में छोटे से एरिया में, ताकि दिखे नहीं दूर से, अफीम बोया गया है। टीम गई, उसमें जांच कराई गई, सैंपल लिए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति सुजान है जो उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और इसमें उसने किससे खरीदे हैं बीज और पूरा चेन का पता लगाया जा रहा है। सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि इस टाइप का कोई और एरिया में फूल दिखे, खेती दिखे, तो तुरंत हमें जानकारी दें, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। कब से ये सभी लोग काम कर रहे थे? इसमें 2 महीने लगते हैं, तो लगता है 1-2 महीने पहले इन्होंने बोया होगा, लेकिन शुरू में ये ग्रीन कलर का होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी वाइट फूल आते हैं तो ये अभी नज़र में आ जाता है, तो ऐसे ही कुछ लोगों को ये दिखा था तो उन्होंने रिपोर्ट किया है। ऐसे पहले कोई सूचना इस एरिया में नहीं थी हमारे पास, और ना इनका कोई आपराधिक इतिहास है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इन्हें बताया जा रहा है कि इनको किसी ने प्रलोभन दिया था कि इसके जो बीज होते हैं वो 2000 रुपये किलो में बिकते हैं, तो इसमें पूरी गहनता से जांच कराई जा रही है, इसको सख्ती से लिया जा रहा है, और बाकी जगह बाकी गांवों में भी चेकिंग कराई जा रही है कि कोई और लोग प्रलोभन में आकर ना हो। उसको नहीं किया गया, उसको काटा जाएगा, उसमें एस्टीमेट लिया जाएगा, टीम आती है उसको एस्टीमेट। सर हर गांव में पुलिस का चौकीदार है, वही चौकीदार की मीटिंग बुलाई गई है, अभी सीओ साहब वही कर रहे हैं बाहर में, सभी का कर रहे हैं। कोई सूचना मिली कल, उसके तुरंत कार्रवाई की। बांध के किनारे गेहूं के बीच में जैसे जानकारी मिली है कार्रवाई हुई है। पहले भी ऐसी बात सुन चुका हूं, बताया जा रहा है कि 5 एकड़ में खेती हो रही है, पिछले 5 साल से हो रही है। नहीं, आपने किसी की सूचना नहीं दी भी है वहां पर, आप बताइए, हम बिल्कुल कार्रवाई। सर प्रलोभन देने वाले लोग कहां के हैं? सर जो खेती करने वाले